गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मकवाना, लेक्चरर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीकल टेक्नोलॉजी का, MA 308 का, और टॉपिक का नाम है कैमशाफ्ट एंड इट्स मैकेनिज्म। तो चलिए अपन बात करते हैं कैमशाफ्ट क्या होती है। सबसे पहले कैमशाफ्ट एक ऐसी शाफ्ट होती है जो कि जो हमारे इंजन के वाल्व्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए काम में ली जाती है। कैमशाफ्ट इज़ अ शाफ्ट विच इज़ यूज टू ऑपरेट द वाल्व्स ऑफ द इंजन। जो इंजन के वाल्व्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमारी कैमशाफ्ट काम में आती है। और कैमशाफ्ट के ऊपर कैम्स लगी हुई होती है और हर एक कैम से एक पुश रॉड जो है वो ऑपरेट होती है और उस पुश रॉड से हमारा वाल्व ऑपरेट होता है। एक कैम से एक वाल ऑपरेट होता है। तो हर एक सिलेंडर के लिए दो कैम्स लगी हुई होती है एक कैमशाफ्ट के ऊपर जनरली। तो और ये जो कैमशाफ्ट है इसको जो पावर मिलती है ये मिलती है हमारी क्रैंकशाफ्ट से। ये जो कैमशाफ्ट है इसको जो पावर मिलती है वो हमारी क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। दोनों आपसरी में हम इसको किसी मीडियम के द्वारा जोड़ देते हैं तो पावर हमारे को कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट के वहाँ से अवेलेबल होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कैमशाफ्ट जो है वो हमेशा पैरेलल में लगाई जाती है क्रैंकशाफ्ट के, राइट। कैमशाफ्ट जो है हमेशा क्रैंकशाफ्ट के पैरेलल में अरेंज की जाती है, पैरेलल में लगाई जाती है। और कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने के तीन तरीके हैं। अपन ये कह सकते हैं कि तीन तरीके से, तीन मैकेनिज्म से अपन उनको जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम बताया था मैकेनिज्म, तो हियर देर आर थ्री मैकेनिज्म ऑफ जॉइनिंग ऑफ कैमशाफ्ट विद क्रैंकशाफ्ट थ्रू विच द पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट टू कैमशाफ्ट, जिनके द्वारा पावर क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट में पावर शिफ्ट करी जा सकती है, दी जा सकती है। तो यह हम देखेंगे कि जो कैमशाफ्ट है जैसा मैंने बताया इज यूज टू ओपन एंड क्लोज द रेस्पेक्टिव इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए हमारे को कैमशाफ्ट की आवश्यकता पड़ती है और कैमशाफ्ट पे जो कैम लगे होते हैं वो इस कार्य को अच्छी तरह संपादित करते हैं। अब यहाँ हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखेंगे कि तीन जो मैंने आपको बताया कि तीन मेथड्स होते हैं, तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो मैकेनिज्म है हमारा, ये आप जो देख रहे हैं चित्र में, ये आप देख रहे हैं एक जो टाइमिंग चेन है। ये देखिए आप, चेन ड्राइव, इसको सबसे पहले अपन बोलेंगे चेन ड्राइव। ये स्पॉकेट्स हैं, ये स्पॉकेट वन है और ये स्पॉकेट टू है। इन दोनों का अपन ने, ये चेन जो दिख रही है आपको, इस चेन से अपन ने क्लैंप कर रखा है, दोनों को जोड़ रखा है। ये यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला चित्र आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए आप, तो पहला वाला जो है चेन ड्राइव है, दो स्पॉकेट, ये पहला स्पॉकेट है, बड़ा स्पॉकेट है, ये दूसरा स्पॉकेट है, और इनको अपन ने चेन के माध्यम से जोड़ रखा है। ये देखिए कैमशाफ्ट स्पॉकेट, और ये जो है हमारी कैमशाफ्ट है ये वाली, और ये जो है हमारी क्रैंकशाफ्ट स्पॉकेट है, और ये कैमशाफ्ट है। ये देखिए, ये क्रैंकशाफ्ट है और ये टाइमिंग बेल्ट का काम करता है। ये टाइमिंग, यहाँ पर चेन है तो ये टाइमिंग चेन कहलाएगी। तो पहला जो हमारा मैकेनिज्म है वो है चेन एंड स्पॉकेट मैकेनिज्म, जो कि कैमशाफ्ट को क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कैमशाफ्ट स्पॉकेट है और ये जो है वो क्रैंकशाफ्ट स्पॉकेट है, और ये चेन है जो इसके ऊपर लगी हुई, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ चित्र में देखिए आप, ये चेन लगी हुई इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये टाइमिंग मार्क हैं जो दोनों एक सीध में होने चाहिए। टाइमिंग मार्क ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग मार्क जो एक सीध में होने चाहिए जब भी अपन इसको डिसअसेंबल करते हैं,
और उसके बाद वापस जब असेंबल करते हैं तो ये टाइमिंग मार्क जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं टाइमिंग मार्क, ये छोटा सा बिंदु और ये नीचे एक लगा हुआ है हमारे कैम शाफ्ट के ऊपर इस पॉकेट के ऊपर, और दूसरा हमारे क्रैंक शाफ्ट के इस पॉकेट के, इन दोनों को मैच करा के अपन को असेंबल करना होता है, राइट। अब पावर जो है क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट में जाती है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि कैम शाफ्ट में जो चेन इस पॉकेट लगा हुआ होता है उसमें जो दांते हैं वो जनरली ट्वाइस होते हैं, डबल होते हैं। क्रैंक शाफ्ट पे जो स्पॉकेट लगा हुआ है उसके ट्वाइस होते हैं, उसके डबल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कैम शाफ्ट में 40 अगर स्पॉकेट लगे हुए हैं तो इसके अंदर 80 हमारे स्पॉकेट होंगे। इसका इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि जब हमारी क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशन करेगी तब यहाँ पर कैम शाफ्ट जो है वो हाफ रोटेशन करेगी, और जब हमारी क्रैंक शाफ्ट दूसरा रोटेशन कर लेगी तो ये दूसरा हाफ करेगा। इसका मतलब जब हमारी क्रैंक शाफ्ट दो रोटेशन करेगी तब कैम शाफ्ट जो है एक रोटेशन करेगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हमारी क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशन करेगी उस ड्यूरेशन में एक वाल हमारा ऑपरेट हो जाएगा, राइट। और जब हमारा दूसरा ऑपरेट होगा, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट दूसरा राउंड ऑपरेट करेगी तब हमारा दूसरा वाल जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, तो दोनों वाल जो हमारे वो ऑपरेट होंगे। कहने का मतलब है कि जब हमारा एक रोटेशन होगा क्रैंक शाफ्ट का तब आधा रोटेशन होगा, ये देखिए अपन इसको समझते हैं कि जब हमारा एक रोटेशन होगा तब कैम शाफ्ट का आधा रोटेशन होगा तो इससे एक वाल हमारा ऑपरेट होगा, और जब दूसरा रोटेशन होगा तो आधा रोटेशन और होगा कैम शाफ्ट का, उससे हमारा दूसरा वाल ऑपरेट होगा। तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन बराबर बैठता है और इससे हमारे वाल ऑपरेट होते हैं। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म जिसको अपन बोलेंगे चेन ड्राइव मैकेनिज्म, जो चेन की सहायता से हम इसको लगाते हैं। और ये जनरली अपन जब प्रेफर करते हैं जब हमारा जो हेड है वो दूरी पर है और हमारा इंजन छोटा इंजन है, छोटे इंजन में जनरली अपन ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये वाला अरेंजमेंट करते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले अरेंजमेंट की, दूसरे वाले सेकेंड अरेंजमेंट है हमारा गियर ड्राइव। ये सेकेंड अरेंजमेंट है हमारा, देखिए गियर ड्राइव, इसके अंदर दो गियर हैं। ये जो गियर हैं ये दोनों गियर जो हैं, हमारा एक गियर जो है वो ये देखिए ये कैम शाफ्ट पे लगा हुआ है, ये कैम शाफ्ट है और ये गियर है। इसी तरीके से ये क्रैंक शाफ्ट है और ये गियर है, तो ये दोनों गियर आपस में लगा देते हैं अपन। एक कैम शाफ्ट गियर कहलाता है, एक क्रैंक शाफ्ट गियर कहलाता है। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं नीचे, ये देखिए, और ये दोनों गियर के माध्यम से अपन जो है पावर को ट्रांसमिट करते हैं क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट के अंदर। यहाँ पर भी हमको वो ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो नंबर ऑफ टीथ हैं कैम शाफ्ट के गियर में वो डबल हैं, जस्ट डबल हैं। किसके डबल हैं, क्रैंक शाफ्ट के गियर के डबल हैं। अगर मान लीजिए उसमें 25 हैं टीथ तो उसमें 50 टीथ हैं, जिससे कि वो ठीक आधा रोटेशन करे। जब भी अपन रोटेशन करती है क्रैंक शाफ्ट तो कैम शाफ्ट जो है ठीक आधा रोटेशन करे, और आधे रोटेशन में एक हमारा पुश रॉड जो है वो ऑपरेट हो और एक वाल हमारा ऑपरेट हो जाए और दूसरे हाफ के अंदर दूसरा वाल हमारा ऑपरेट हो। तो इस तरीके से हमारा दोनों वाल एक चक्कर में ऑपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला अरेंजमेंट अपन उसमें लगाना पसंद करते हैं जो बहुत बड़े गियर, बहुत बड़े हमारे ब्लॉक्स हैं, बड़ा इंजन है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, जैसे 6 सिलेंडर का है, 12 सिलेंडर का है, 8 सिलेंडर का है, और किसी बस का है, ट्रक का है, वहाँ अपन इस वाले अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला है गियर ड्राइव मैकेनिज्म। फिर इसके बाद में तीसरा मैकेनिज्म है चेन ड्राइव। जैसे मैंने अभी आपको बताया चेन ड्राइव तो हमारा हो चुका, ये बेल्ट ड्राइव है। ये तीसरा हमारा है टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं, देखिए इसको, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये टाइमिंग बेल्ट है, ये देखिए ये टाइमिंग बेल्ट है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये इस अरेंजमेंट में मैंने दिखाने की कोशिश करी है टाइमिंग बेल्ट।
ये भी क्या होता है कि गियर के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन ये वहाँ पर पॉसिबल है जब हमारे कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों दूर दूर हों। जैसे मान लीजिए ओवरहेड कैम लगी हुई है, हेड के अंदर कैम लगी हुई है और क्रैंक शाफ्ट जो है वो नीचे रहती है, तो दूरी ज़्यादा होने के कारण अपन ये वाला अरेंजमेंट प्रिफर करते हैं। इसको बोलते हैं अपन टाइमिंग बेल्ट। ये टाइमिंग बेल्ट जो है ये हमारा रबर का बेल्ट होता है और गियर लगे हुए होते हैं, तो गियर वैसे लगे हुए होंगे जैसे कि हमारे पूर्व में हमने देखा। ये देखिए छोटे चित्र में आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो गियर है वो हमारा कैम शाफ्ट का गियर है और ये क्रैंक शाफ्ट का गियर है और इस पर टाइमिंग बेल्ट हमारी लगी हुई है जो आप साफ साफ इस पर देख सकते हो। ये हम वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ दूरी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पर अपन इस वाले अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। छोटे इंजन में भी अपन इन्हीं को प्रेफर करते हैं। जिस तरीके से गियर वाला अरेंजमेंट अपन बड़े इंजन में प्रेफर करते हैं, उसी तरीके से हम छोटे वाले इंजन में, सिंगल सिलेंडर इंजन में, बाइक वगैरह के इंजन में अपन टाइमिंग बेल्ट वाला अरेंजमेंट प्रेफर करते हैं छोटे इंजन के लिए। तो ये तीन मैकेनिज्म हैं हमारे जो कि हम प्रेफर करते हैं कैम शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए, ताकि वाल्व को ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि किस तरीके से आप, ये देखिए ये हमारा जो है कैम शाफ्ट है जो लगा हुआ है और इसके ऊपर ये कैम्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कैम्स हैं जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि एक इंजन के लिए दो कैम्स ज़रूरी होते हैं, एक इनलेट के लिए एक आउटलेट के लिए। ये देखिए वाल्व्स लगे हुए हैं, ये देखिए वाल्व्स, एक इनलेट एक आउटलेट। तो इस तरीके से अगर अपन कहें कि ये एक अरेंजमेंट हो गया हमारा, ये दूसरा, तो इस तरीके से ये फोर सिलेंडर इंजन के लिए कैम शाफ्ट लगी हुई है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं वहाँ पर ये कैम शाफ्ट कहलाती है, उस पर ये कैम्स लगी हुई है। ये हमारा पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, ये हमारा पिस्टन है, राइट, ये हमारे वाल्व्स हैं, ये हमारे वाल्व्स हैं और ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है। ये थोड़ा सा थोड़ा बोलने में गलती हो गई। ये हमारा पिस्टन यहाँ पर है, ये देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी रॉड है, पुश रॉड ये वाल्व के लिए, और ये हमारी कैम शाफ्ट है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ये आप देख सकते हैं ये क्रैंक शाफ्ट है। ये जो नीचे आप देख रखे हैं ये क्रैंक शाफ्ट है और इनको आपने, ये देखिए ये टाइमिंग बेल्ट से आपने जोड़ रखा है, जो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ऊपर, ये टाइमिंग बेल्ट से आपने इनको जोड़ रखा है। और यहाँ नीचे भी एक गियर है और ऊपर भी एक गियर है जिनको अपन ने टाइमिंग बेल्ट के द्वारा जोड़ रखा है, और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो उससे ये बेल्ट रन होगा, ये बेल्ट रन होने से ये कैमशाफ्ट रन होगी, कैमशाफ्ट रन होगी तो ये वाल जो हैं वो ऑपरेट होंगे, और वाल ऑपरेट होंगे तो खुलेंगे और बंद होंगे, जिससे हमारा चार्ज जो है अंदर और बाहर जाएगा। तो ये सिंपल वे है इसको समझने का, आप देख सकते हैं डायग्राम में बहुत आसानी के साथ समझ में आ रहा है। तो ये थे हमारे तीन अरेंजमेंट। देखिए इसमें भी टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है, मैं चित्र के माध्यम से इसमें भी दिखाना चाहूँगा, ये टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है। तो जहाँ पर छोटे सिलेंडर इंजन है वहाँ पर अपन इस तरीके से टाइमिंग बेल्ट लगाते हैं। और तो ये हमारा था कैम एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म। मैंने आपको तीन मेथड समझाए, तीन मेथड जो होते हैं कैम एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म, मैंने आपको तीन मेथड बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो तीनों आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।